लगी। कृष्ण ने अंदर ही अंदर सांप के पेट के अंदर में जितने बच्चे उनकी तरफ देखा, देखती जब उठे सब हंसते गाते हुए भी कृष्ण के साथ सांप के मुंह से बाहर निकल आए। सब लोग मुंह के वर्षा करने लगे कि राजू मर गया, पाप की मूर्ति, और उसके मुंह में चले। आया तो सभी लोग बड़े फूलों की वर्षा करने लगे। इतने में वह आत्मा जो आकाश मार्ग में घूम रही थी वो नीचे उतर के आई, आकर के कृष्ण के चरणों में समा गया। बोले ब्रह्मा जी को तो बड़ा आश्चर्य लगा, बोले ये पाप की मूर्ति असुर बड़ा भयंकर देवता लोग मचाते रहेंगे, आज ये मसूर मर करके ऊपर चला गया, मन उसकी ज्योति घूमता हुआ फिर भगवान के चरण में, कृष्ण के चरण में। तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य मिला, बोले कि मैं इनकी मंजू मोहिनी लीला देखना था, देखने के लिए नीचे उतर आए, उतर करके घूम रहे देख रहे। इतने में कृष्ण पहले जैसे भोजन कर रहे थे, फिर बालकों के साथ बैठ करके भोजन करने लगे, और भोजन करते करते हाथ में भोजन, हाथ ही उनका भोजन, थाली आचार पकौड़ा और मिठाइयां पूरी सब्जी सब, और उसमें खा रहे हैं और घूम रहे हैं। शखावत बोले भैया मेरे घर से कितने सुंदर लड्डू बन के आए, थोड़ा सा तो खा। कोई बोलता है मेरा आचार कैसा लग रहा है, कोई बोलता है मेरे पकौड़ी को देखो, ऐसे सभी लोग खा रहे और खिला रहे। ब्रह्मा जी बोले क्या बात है, क्या ये भगवान है या साधारण बालक है, भगवान होने पर उनको कोई विचार नहीं है क्या, शुद्धि सदाचार पवित्रता एक आसन में बैठ करके खाए कुछ भी नहीं, और सारा सब कुछ तोड़ दिया, विधि के निर्माता विधा ब्रह्मा जी पूरी संसार ये हमारा सारा विधि विधान को पलट दिया, ये क्या क्या ये साधारण बालक है क्या भगवान है। परीक्षा लेने तब परीक्षा लेने का जब मन बना, ब्रह्मा जी ने उनकी बुद्धि को भी ऐसे घुमा दी भगवान की माया के द्वारा मुर्गी। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, कुछ ही दूर पर बछड़े चल रहे थे उनको उठा लिया, लेकर के कंदरा में धर दिया, अपने माया के द्वारा उनको सुला दिया, सभी सोए हुए कंदरा में टक्कर लगा दी हुए। अच्छा फिर देखते रहे बच्चे, बोले अरे हमारे पछड़े सब काम ने दिखाई नहीं दे रहा, तो वे सब दौड़ते भागते रहे काफी दूर आगे बढ़ गए। जब ही बढ़े तो कृष्ण से अभी कुछ दूर हो गए, तब ब्रह्मा जी ने उन बालकों को उठा लिया, उन सब को लेकर के दूसरे कंदरा में उनको भी रख दिया, सबको सुला दी, टक्कर लगा दिया। अब किसी को कुछ बताई नहीं, अब देखेंगे कि क्या करता है। इसलिए ब्रह्मा जी ऐसे सोच विचार में कुछ देर घूमते हुए अपने लोग को चले गए सप्तलोक में। वहां जाने पर भी बड़ी गड़बड़ी मची, वहां जैसे गए अपने भवन में प्रवेश करना चाहते हैं द्वार पर, द्वारपाल बोले आप कौन है, कैसे आए, क्या करना है। तो ब्रह्मा जी बोले तुम लोग क्या बोल रहे हो, तुम जाते नहीं, ये मेरा भवन है, मेरा लोक है, मैं चतुर्मुख ब्रह्मा हूं, मैं यहां का अधिपति हूं। बोले अरे कहां से गुप्तचर बन करके ये अच्छा लोग आ गया, झगड़े को आ गया,
या गड़बड़ी बचा ले हमारे प्रभु तो घर में बैठे होते हैं, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ नहीं होगा, अंदर मत जाओ, दूसरे नहीं दिए जाएगा। तो बोले भाई तुम्हारी प्रभु अंदर बैठे हैं। बोले हाँ, देखना चाहते हो? देखो वहीं से दिखाया। बोले देखो हमारे प्रभु राज सिंहासन में बैठे हुए हैं, तुम कहां से आए हो? प्रभु का रूप धारण करके क्यों मां चार मुंह वाला जा भागो। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे, मैंने कुछ गड़बड़ी की, वहां धरती पर गड़बड़ी हो गई, इसलिए प्रभु नारायण हो गए और मेरे रूप में वहां बैठ गए, आसमान में बैठे। तो चलो पहले तो देखो नीचे क्या हो गया। वहां से चले धरती पर आए, आते आते ब्रह्मा जी का एक थोड़ा सा समय भी तो बहुत होता है, यहाँ एक छाप भी दिया। कृष्ण ने जितने भी बछड़े हैं, जितने सखा हैं, उन सब के रूप में वैसे वेशभूषा में, वैसे स्वरूप और स्वभाव में वैसे बन गए, बन करके अपने साधन में खेल रहे, खा रहे, पी रहे, नाच रहे, गा रहे, ऐसे साल भर ऐसे बीता। ब्रजवासी माता होने अपने अपने बालक को पा करके बड़े आनंद में रोज दिन कृष्ण के प्रति जैसी उनकी प्रति होती थी, जैसे स्नेह ममता बढ़ती थी, वैसे अपने बालकों में, पर किसी को कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे दो माताएं सबके सब अपने बच्चों को खूब दूध पिला देंगे, खूब लाड़ प्यार देंगे, सबके सब ऐसे। एक साल बीत गया, जब ब्रह्मा जी आए, देखा कि अरे कृष्ण तो सब बच्चों के साथ खेल रहे, सभी बछड़े यहाँ घूम रहे हैं, क्या हुआ? सबको निकाल लिया क्या? तो गए अंदर का ढक्कन खोला, देखा कि सब तो सोए हुए, फिर यहाँ तो सब खेल रहे, नाच रहे, गा रहे, क्या हुआ? तो बार बार देखते रहे, एक ही साथ में चार मुंहों वाले इधर को दो मुंह, इधर को दो मुंह देखने लगे, इधर भी देख रहे, उधर भी देख रहे। बोले ना वहां तो खेल रहे हैं, यहाँ सो रहे, एक ही साथ में क्या हुआ? तब तक कोई गड़बड़ी हो गई, ये तो साधारण बालक। फिर कुछ देर में देखते जितने भी बछड़े से डाले हैं, सब बाहर निकले, बाहर निकल करके दौड़े कृष्ण के साथ मिल गए, सभी लोग नाच रहे गा रहे थे। तो ये देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा डर लगा, बोले उस समय उन्होंने शास्त्र को भोग कर प्रणाम किया, ये उन्हीं शास्त्र को भोग कर प्रणाम किए, उठ करके देखते हैं ब्रह्म स्तंभ जो कुछ भी है कृष्ण ही कृष्ण बने हुए। फिर देखते हैं कि फिर से प्रणाम कर रहे, सभी लोग कृष्ण को हाथ जोड़ करके स्तुति प्रार्थना कर रहे। फिर देख रहे जितने सखा और बछड़े हैं, कृष्ण ही स्वयं सखा और बछड़े बने, फिर से प्रणाम करके देखते हैं कि वहां जब सरी नारायण भगवान अनंत संयम में शयन की होगी और सभी लोग हाथ जोड़कर उनकी स्तुति प्रार्थना करते। ये सब देख करके ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, तब उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की। नवमी क्रियते अप्रपोषे तरेदम वराय पशुपांगजाय। हे भुवन सुंदर, हे भुवन पूज्य, हे भगवान,
आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम निवेदन। पशुपंग जाय हे ब्रजराज कुमार, हे नंद नंदन, आप जहां कहीं चलते लक्ष्मी जी आपके चरण करती और आपके चरणों की सेवा करती। तो इस प्रकार लक्ष्मण स्त्री मृदु पदे कोमल चरणों के द्वारा इस कांटे कोष में भी अगर मन में गाय तो कोई रास्ते में नहीं दौड़ती, जबकि कांटे कोष में भी हर जंगल में और उसमें भी आप उनके पीछे पीछे चलते हैं। और कोई पैरों में जूता नहीं, नंगे पैर में और ब्रजभूमि को आनंदित कर रहे हैं। हे प्रभु, मैंने तो आपके भोजन में बाधा डाला, विघ्न गड़बड़ी की, अनजाने में अज्ञान के वश बोध होकर बचड़ों को शिखाओं को चुराया और आप जो हाथ में इनको बल मेरे तो विशाल में हूं, जो भोजन लेकर के घूमते हुए खा रहे थे उसी में मैंने बाधा डाली। मैं आपको समझ नहीं पाया। हे प्रभु, जो तनित अंबर आय पीतांबर को धारण किया, वो पीतांबर स्थिर विद्युत के समान गले में माला पहने बनस गजे, ऐसे गले में जिनकी वर्णमाला है पीतांबर पहने अद्भुत स्वरूप जिनकी, हे प्रभु आपको पुनः पुनः मेरा अनुमन, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। मां जैसे छोटा बच्चा गोद में माँ के गोद में हाथ पैर फेंकता है परंतु माँ को भी अपराध ग्रहण नहीं करती, वैसे आप मेरी माता है, आप मेरे अपराधों को क्षमा करो। केवल माँ ही नहीं, आपसे आपके नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ है, तो कमल एक जड़ है, वैसे उससे मेरा जन्म हुआ, मैं भी एक जड़ हूं, मेरी बुद्धि नहीं है, आपके प्रति मैंने अन्याय किया, जो अपराध किया उसके लिए क्षमा करें। आप नारायण हैं, जलसाई नारायण और समस्त जीवों के आश्रय नारायण है, आप मेरे भी आश्रय हैं, मेरे पिता हैं, माता हैं, आप हमें क्षमा करें। बोले कि हे प्रभु, मैं साढ़े तीन हाथ का एक पदार्थ, वो भी ज्वार बुद्धि ने बुद्धिहीन का काम किया, तो मेरी बुद्धि बहुत सामान्य है, परंतु आप सर्वव्यापी अनंत है, तो इसलिए सर्वव्यापी ज्ञान परिपूर्ण है, मैं क्षुद्र बुद्धि से आपको समझ नहीं पाया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। जानंत जीव जानंत किं मे बहुत न मे प्रभु, मनुषु बहुषु वैभवं तव गोचर। कोई कहे कि मैं तो भगवान को जानता हूं, जान लिया, मुझे आत्मज्ञान नहीं है, सब कुछ मुझे जानता है, वो जाने समझे और अनुभव करे, परंतु हे प्रभु मैं अपने जीवन में मन वाणी बुद्धि इंद्रिया इन सब के द्वारा आपके वैभव को जान नहीं सका, इसलिए हे प्रभु आपसे मेरी यह प्रार्थना, आपने कितना अनुग्रह किया इन ब्रजजनों के प्रति, आपका महान अनुग्रह। अवति दन्ना ब्रज गो रमन्न स्तन्नामृतं पीत
मते मते मोदा जासाम विभो पस तरात्मा जात्मना जत्रिंदये अद्या पधनान मत्तरा अहोति धन्ना प्रजपूर मत्त ब्रज की माताएं और ब्रज की गौएं अति धन्ना अति स्वरूप में सौभाग्यशाली क्यों आप साक्षात पर ब्रह्म स्वयं भगवान वो करके बड़े बड़े यज्ञ में आपकी आहुति दी जाती है आराधना होती है उससे आप तृप्त होते हैं क्या नहीं बताइए परंतु आज साक्षात रूप में उनके बालक बनकर गौओं के बछड़े बन करके उनका दूध पीते रहे बड़े होने पर दूध नहीं मिलेगा बच्चे बन करके दूध पीना है इसलिए उनके आप बालक बन करके दूध पी रहे हैं और उसमें आप तृप्ति नाम कर रहे हैं तो इसलिए ये गौए माताएं अतिशय सौभाग्यशाली जिनको जिनके प्रेम में आप उनके बछड़े और बालक तो ये प्रजाजनों को आप क्या देंगे मेरे तो समझ में नहीं आता पुतना को यहाँ आपने धैर्य यदि दे दी तो इनको आप क्या देंगे इसलिए आप उनके बालक बनकर सखा बनकर और गोपियों की प्रियतम बन करके उनके अधीन बन गए थे उनकी उनके अधीन बन करके फिर आप उनके प्रेम के ऋणी भी बने तो ये अद्भुत आपकी लीला है तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमानो भुञ्जान एवान्वत्कृतं पिपाहु तेर्वाग वपुभि विदधं नमस्ते मुक्तिपदे स जीवेस्य मुक्ति पदे सदाय भाग बोले कि हे प्रभु हमारे इस जीवन संपूर्ण जीवन जो कुछ भी किया है उस कर्मों के अनुसार कभी सुख और कभी दुख बाधा विपत्ति जो कुछ भी आवे इस सभी यह आपकी ही कृपा है मुझे दंड मिले चाहे अनुग्रह मिले जो कुछ भी मिले सब कुछ आपकी कृपा है इसलिए हे प्रभु मैं आपकी अनुकंपा को मानते हुए अनुग्रह को स्वीकार करते हुए इसी तरह से जीवित जो कोई भक्त आपके प्रति ऐसे ही समर्पित आत्मा होते हैं वो आपके चरणों में मुक्ति पदे सदाए भाव जिनके चरणों में मुक्ति ऐसे चरण उनको प्राप्त कर लेते तो उनको क्या अभाव रहता कुछ नहीं इसलिए मेरे जन्मों के जितने भी कर्म हैं जितना जो कुछ अच्छा हुआ है सबको समर्पण करते हैं और मेरे ही प्रार्थना है तद्भूरी भाग्यमीय जन्म की मोक्ष इस ब्रज गोकुल में कहीं न कहीं मुझे कहीं जन्म हो जाए बोले कैसा जन्म त्रिनगुल मलता बोले ये भी संभव नहीं भी ब्रज के किनारे किसी प्रांत में एक पत्थर का टुकड़ा बनकर के जन्म हो जाए जहाँ गोपियां चलती फिरती हुई और अपने पैरों को वहां रगड़े और उनके रगड़ने से उनकी चरण धूलि मुझे मिल जाएगी उससे मेरा जीवन कृतार्थ होगा सार्थक हो जाएगा श्रुतियां जहाँ आपके चरण कमल का अनुसंधान करती है मैं क्या प्रार्थना करूं
हे प्रभु आप मुझे क्षमा करें। इतना कह करके परिक्रमा की आज करके जब जाने लगे कृष्ण तो सखा के कंधे में हाथ डाल कर खड़े थे, कुछ बोले नहीं, चुपचाप रहे। इतने में और जितने बच्चे थे सब दौड़े, अरे चौहान 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 चाकू वाला आदमी देखो कहां से आ गया, आज तक कभी देखा ही नहीं। तो पीछे पीछे हाथ ताली बजा करके जा रहे हैं। अच्छा तो वो ब्रह्मा दे वृंदावन में आज भी चौहान स्थान है जहाँ विराजमान होकर प्रभु के चरणों में सदैव प्रार्थना करते हैं। ऐसी भगवान की अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं जहाँ पर ब्रह्मा से आदि देवगण इंद्र आदि देवगण प्राप्त हो जाते हैं जिनका पार नहीं पाते। एक तरफ अद्भुत महिमा ऐश्वर्यों को प्रकाश करके भक्तों को अनुग्रह करते हैं और प्रेमी जनों के साथ में लीला विनोद करते हैं, कीड़ा कौतुक करते हैं। अभी एक कीर्तन प्रस्तुत करते हैं। पुरुष वृंदावन बिहारी राम की जय, जय जय श्री राम। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा। जो माता हरि का प्यारा नाम है, जो माता हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। ओ मधुर मुरलिया कभी बजावे हरकृष्ण
दिखाया कि कल जैसे राधा जी का जन्म भी दिखाएंगे
तो राजा जी को ब्रिशमानों महाराज ने एक वर्ष के होते ही ब्रज गोकुल में भेज दिया कि कृष्ण के साथ नाचते गाते खेलते रहे और खुशहाली थी। ये ब्रिशमानों महाराज ने क्योंकि कृष्ण के आते ही माँ यशोदा ने कृष्ण को राधा जी की बिस्तर में सुला दिया और कीर्तिता देवी से मिलने गए। तो थोड़ी देर में देखा कृष्ण तो पास फिर करके राधा जी के ऊपर और हाथ थपथपाने लगे। उसी से राधा जी ने नेत्र खोला था और कृष्ण को देखा। विश्वमानव महाराज देख करके बोले कि इन दोनों का पूर्व जन्म का संबंध है, इसलिए यह हुआ है। तब से विश्वमानव महाराज बड़ी खुशहाली के साथ राधा जी को ब्रज गोकुल में भेज दिया। ब्रज गोकुल में जाने से बचपन से ही सभी लोग खेलते रहे, नाचते गाते रहे। जब मैया यशोदा ने कृष्ण को रस्सी से बांधा, बांधते समय रस्सी तो कम पड़ती जा रही थी, बांध नहीं पा रही थी। उस समय कोई भी हुआ नहीं, कोई भी बच्चे सामने नहीं, आड़े छिपे हुए देखते रह गए। परंतु माता यशोदा जी के सामने कौन था? स्वयं राधा जी थे। तो छोटी बच्ची राधा जी वो देखती रही कि कृष्ण ने सुबह सुबह उठ करके मक्खन खा लिया और मक्खन खाने के कारण मैया ने बांध दिया, मैया बांध रही है। तब से राधा जी के मन में ये स्नेह आया कि आज से मैं खिलाऊंगी तो कृष्ण मक्खन नहीं चुराएंगे ना इधर उधर जाएंगे, तो मैया यशोदा बांधेगी तो कृष्ण की सुरक्षा होगी। तब से राधा जी के मन में अगाध स्नेह बढ़ गया। जो राधा पति कृष्ण स्नेह सुगंधि आवाज़ सुगंध उद्वर्तन चैतन्य चैतन्य में वर्णन कि कृष्ण का राधा जी के प्रति और राधा जी का कृष्ण के प्रति अद्भुत स्नेह। तो राधा जी क्या करती, घर में जाकर के जहां जो कुछ मिलता उठा करके कपड़ों में छिपा करके ले आती और कृष्ण के मुंह में देती, लोग खाओ उनको खिलाती पिलाती, ऐसे रोती। तो माताएं तो घूंघट तन करके रहती है, वो देखती है कपड़ों के आड़ से वह राधा जी का राधा का कृष्ण के प्रति बड़ा प्यार है, बड़ा स्नेह है। कृष्ण भी राधा को बड़ा प्यार करते हैं, एक दूसरे बड़े आनंद में नाचते गाते हुए खेलते हैं। तो ये देख करके सबको बड़ा आनंद है और ये सुगंधी आवाटा की तरह सुगंध चारों प्रजभूमि में फैल गई। फिर क्या होता है, राधा जी कृष्ण के साथ हमेशा परछाई की तरह रहती, कभी भी छोड़ती नहीं, कभी अलग नहीं हटती। वेदांत में दिखाया कि राधा जी तीन रूप में, राधा के रूप में कृष्ण के साथ हमेशा, उन्होंने कृष्ण के अंदर सारी शक्ति नौछावर कर दी कि कोई भी कृष्ण को आकर के कोई प्रहार न करे, झूठ नहीं करे, कोई बात नहीं करे, इसलिए कृष्ण को सारी शक्ति दे दी। फिर स्वयं साथ में परछाई की तरह और तीसरे मंत्र की देवता के रूप में राधा जी सारी मंत्र शक्ति के रूप में, तो तीन रूप में अवस्थित है। तो ऐसी जो राधा कृष्ण के साथ हमेशा रहती और छोटी छोटी बच्चियां गोपियां जब कृष्ण वृंदावन में आकर के बछड़ों को चराने लगे, उस समय ये सभी गोपियां दौड़ दौड़ करके भाग के जाती हैं वृंदावन में, यमुना पुलिन में, कुंज कानन में,
पुष्पों का चयन कर माला गूंथ करके बैठी रहती है, हमेशा प्रतीक्षा करती है कब कृष्ण आएंगे। उनके आने पर उनके गले में माला पहनाएगी, फूलों की साज सज्जा डेकोरेशन जो किया है इस तरह कृष्ण को सजाएंगे। इस तरह से गोपियां प्रतीक्षा करती रहती है। कृष्ण बलराजी को सखाओं के साथ लगा करके स्वयं एक लाख सखा को ले करके गोपियों के पास आ जाते, तो गोपियां कृष्ण को देख करके बड़ी खुश होती, उनका हाथ पकड़ करके अंदर ले जाती, कुंज के अंदर ले जा करके बैठाने पर राधा जी फूलों से कृष्ण को सजाती है, अंगराग करती है, अलका इत्यादि बनाती है, गले में माला पहनाती है। इस प्रकार विविध प्रकार से राधा जी फूलों को सजाती, फूलों से सजाती। दूसरी ओर वृंदावन, वृंदावन के फल फूल लेकर के आती राधा जी के हाथ में देती। उस समय राधा जी घर से जो कुछ लेकर के गई और फल फूल आदि लेकर के कृष्ण को परोस करके खिलाती। इस प्रकार दिन प्रतिदिन गोपियों का चलता रहा, जहां कृष्ण स्वयं राधा जी के हाथ से भोजन करती करते हैं और वो स्वयं खिलाते मिलाते। ऐसे वन भोजन होता है प्रतिदिन। इसके पश्चात वन भोजन के साथ साथ मध्यान्ह काल में कृष्ण अब क्या करते, बैठ करके बंसी बजाते, तो बंसी ध्वनि से गोपियों का चित्त मन चुराने लग गए। राधा जी भी कहती है ये बांसुरी ये बंसी क्यों बोले, राधा राधा ये राधा राधा क्यों बोलता है और ऐसा नाम क्यों देता है, मेरा मन प्राण मेरा सुना। इस प्रकार राधा जी तो राधा जी उस समय कहती है ये बंसी क्यों राधा राधा कहती है, और गोपियां सब कृष्ण के भाव में उनके दम में डूबने लगे। ऐसे ऐसे गोपियों के अंदर भावना बढ़ती चली गई। इसलिए विकल हो करके कभी कभी राधा जी तो रोती है, जो होना चाहिए यमुना में जा करके राधा जी ने कृष्ण को देखने से उनको बड़ा आश्चर्य लगा। श्याम रूप को देख करके चली आई, आकर के घर में बैठे बैठे उस रूप का ध्यान करती है और उसमें खूब करके बैठी रहती है, रोती है और जोगिनी जैसे बनी बन गई, कभी आकाश की तरफ देखती रहती है, एक दृष्टि से मोर की तरह ऐसी ऐसी राधा जी की स्थिति। ललिता जी उस समय आई, आकर के देखा कि राधा जी रो रही है, देख करके उनको गोदी में उठा दिया। देख करके ललिता जी बोले राधे आज तुम कैसी रो रही हो, क्यों रो रही हो, जन्म भर जीवन भर तुम हंसती रहती हो, तो आज तुम्हारी हंसी हुई मुंह में आज ये विषन्नता क्यों, क्यों तुम रो रही, क्या बात, थोड़ा
ठीक है जा सकते हैं। तो अब क्या होता है, आप सुनाई दे रहा है ठीक है। तो उस समय चंडीदास बोले कि हे बलिदेव, अरे राधा जी को तो ये क्या कृष्ण का जो प्रेम फांस है वो लग चुका है, प्रेम की फांद में अब फंस गई है, वो जाल बिछा हुआ है उस जाल में फंस गई, इसलिए राधा जी को ये बोला है। तो गोपियां कृष्ण के बिना में अधीन हो जाती थी, कृष्ण के लिए दिन प्रतिदिन उनका अनुराग बढ़ता चला, कृष्ण से मिलने की उनके अंदर बड़ी तीव्र लालसा होती। अब गोपियां कुछ बड़ी हो गई, ब्रजवासियों ने उन सबको घरों में रोकना चाहा कि घर में रोके, ये लोग बाहर नहीं है, ये बचपन से ही भागती रहती है, जंगल में जाकर के नाचती बोलती है, अब बड़ी हो गई लड़कों को शादी कराना है घर में, इसलिए जाने नहीं देते। तब गोपियां कृष्ण के विरह में अधीर होकर एक दूसरों से कहती थी। तब उस समय श्री सुखदेव जी महाराज एक बड़ा ही सुंदर चित्रण किया कृष्ण के रूप का, पिता पर पहने हुए गले में दो पट्टा,
गले में फूलों की माला, इस प्रकार हाथ में बेणू, बंसी और मुरली ये लिए हुए हैं, जो कहीं बजाते हैं बजाते हैं और कमर में लगा के रखते हैं। इस प्रकार जब कृष्ण गोचरण में जा रहे हैं तो उस समय जाते समय समस्त सखा लोग एक साथ, कोई सिंगा, कोई बेनो, कोई मुरली, कोई बंसी, कोई तूत, कोई तुज, सभी लोग बजा रहे। कृष्ण भी उनके साथ बेनु वादन करते हुए जब वृंदावन में प्रवेश कर रहे तो उस समय ब्रज गोपियां, ब्रज के जितने भी आबाद वृद्ध वनिता है, महिला पुरुष सभी घर से बाहर निकल आते कृष्ण का दर्शन करते। कृष्ण के उस मनोहर रूप देख करके सभी मोहित हो जाते। एक घर की बात, सास ने बहू को कहा, बहू अभी घर से बाहर मत जाना। बोले क्यों? इस समय बाहर जाने से तुम्हें नंद का पुत लग जाएगा, नंद का पुत लग जाए बाहर जाने से, तो आप तुम तो जाते हो, तुम्हें तो लगाएंगे, ननद जाते हैं उसको भी लगा लेंगे, अब मेरे जाने से ही नंद का पुत लग जाएगा। लग जाए तो लग जाए, क्या बात है, मैं तो जाऊंगी, सब लोग देखते तो मुझे देखने में बाधा नहीं, क्या है तुम्हारे घर की बहू बनने से तो घर में से बाहर नहीं निकल, तो ये कोई बात है क्या, मैं तो जाऊंगी। ऐसे साथ बोलूंगी बच्चा बनी रहे, तो बातों बातों में बात तो चलती ही रही, फिर भी बहू बोली मैं तो जा निकल के चले। जब कृष्ण बंसी बजाते हुए आ गए, वो बंसी धड़ी सुनाई पड़ी तो घर से सभी लोग बाहर दौड़ करके चले। रास्ते में जाकर खड़े हैं, सभी लोग देख रहे हैं कृष्ण का त्रिभंग ललित पेच में और तिरछे चांदी में रुबंगी कटाक्ष मानों से और वंशी के कान से सबके चित्त मन को चुराते हुए जा रहे। उस समय कब आए और कब वंशी को गाल में छुला करके टुकड़ा करके चले गए ये पता ही नहीं चला। कृष्ण तो आगे निकल गए, सबके चित्त मन को चुराते हुए चले, काफी दूर निकल गए। सभी लोग अपने अपने घर को लौट करके, वो सास भी घर में आ करके जो भोजन बना रही थी अब भोजन बनाने लगी। उधर में कुछ देर में सास ने बहू को आवाज दी, परंतु सुनाई नहीं, कहा है घरों में देखा नहीं है, नहीं है कहा, नहीं क्या वो बाहर खड़ी है क्या, बात नहीं है। तो सास अब दौड़ करके रास्ते में गए, जाकर के देखा तो देखा बस हो गया, पर पुतली बन करके खड़ी गई। अब तो कोई होश नहीं, कोई चेतना नहीं, ये कहते हो सुध बुध खो करके खड़ी। तब सास कहती है, मना किया था ना, मैंने इतना मना करने के बाद तो उन्हें मानी नहीं, सुनी नहीं, अब क्या बोला, अब तो घर संसार सब चला गया, अब तो कभी संसार तुम्हारा हो गई, ऐसी तो बात भी बन गई, चलो अभी घर चल। तो हाथ पकड़ करके खींच करके घर में भी गई, ले जा करके बोली कि देखो मैं रसोई बना रही हूं, मुझे दाल चाहिए, थोड़ा दाल पीस करके दो। व्रत के गांव में देखा कि ये दाल सा
आटे साथ पीसती है और पीस करके उसे सुबह बताती है। मैंने देखा गांव में ये स्थिति, तो चलो तो गरम पानी जाना, पानी जला दिया, गरम हो रहा है, दाल पीसने को लगा था, बोले दाल पीस लो, चट्टी निकाल ली, दाल की जगह राई राई की हड़िया लेकर के बैठ गई, घर 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 बाबा जो है दाल पीस लिया होगा। जब सास अब आई दाल लेने के लिए, देखा तो दाल नहीं, वो राई पीस रही है, अरे तुम्हें दाल पीसने मिल रहा था, राई पीस रही है, ऐसे कब करेगी। गाली गलौज करने लग गया, दो चार गालियों का बोझा हो गया, अरे जा तुमसे कोई काम नहीं होगा, जा पानी भर के दे। तो पानी भरने के लिए भेजा, जब जा रहे हैं तीन चार घड़ा सिर पर चढ़ा दिया, तो अब क्या होता है, घड़े तो दे दिए, एक बच्चे को साथ में दे दिया और रस्सी भी दे दी, तो उस समय जब पानी भरने के लिए जा रहे रस्सी बाल्टी, बोले रस्सी और घड़ा लेकर के जा रही है, बच्चे को साथ लेकर जब कि कुएं के पास में गई, घड़ा उतार दिया और एक घड़े के गले में रस्सी बांधा है, बांध करके पानी निकाली, परंतु घड़े में रस्सी बांधने की जगह उसने क्या किया, बच्चे के गले में रस्सी बांधी, बांध करके जेब भी उतारने जा रही है, इतने में और महिलाएं भी पानी भरने को आ गई थी, देखिए भाई क्या कर रही है, क्या हो गया इसको, फटाचे उठ गया, पकड़ लिए, रोका, रोक करके देखने लगी कि अरे इसको तो सचमुच ये बाबरी बनी है, बाबरी, और ये तो नंद का पुत्र इसको लग चुका है, इसको तो कोई शुद्ध बुद्ध नहीं, वो क्या कर रही है, क्या करने जा रही है। जल्दी से जल्दी गले से रस्सी खोल लिया, खोल करके घड़े में बांध करके पानी भर दिया, पानी भर करके उसके सिर पर उठा दिया, कृष्ण की विदाई की बातों को करती है।
उस समय गोपियां एक दूसरों से जैसी बात करती है उसका गुण चित्रण किया है। अजनता फलमित न परम विधा सख्य वचन विविषय दुर्वश वत्र प्रजेश सुतयो ऋणुरेव दुष्ट जय बा निपीत मनुर कटाक्ष मोक्ष हरि सखियो इन नेत्रों का फल श्याम सुंदर का दर्शन। यदि इस जीवन में कृष्ण दर्शन नहीं हुआ तो यह जीवन व्यर्थ है। से नयने जीवा का पड़ुकदार मुंडे वाल जिन नेत्रों से कृष्ण का दर्शन नहीं होता उन नेत्रों से जीवा प्रयोग उसके सिर पर पत्र के गोपियां कहती है अचनता फल विदा न परम विदा सखर वचन नो विवेश हरि सखियो जब श्याम सुंदर सखाओं के साथ वृंदावन में प्रवेश करते और वहां गोपियों से मिलते उनके साथ नृत्य करते आनंद विहार करते वहां पर कृष्ण आनंद राधा जी और गोपियां सब वहां मिलकर के कृष्ण के साथ नाचते गाते कितने सुंदर सुंदर अपूर्व लीला विहार करते। चलो सखी हम वहीं पर चले पेड़ों के आड़ उनकी लीलाओं को जब तक कृष्ण की रुबा की कटाक्ष वास हमारे ऊपर नहीं जब तक हमें वो अपने मोहन चाहने के दिल से नजर से हमें देख नहीं देते तब तक हम घर संसार में संसार धर्म हमारे लिए अच्छा लगता है और उसी में हम फंसे हैं। जब कृष्ण को देख हम मोहित हो जाए हम सब कुछ भूल जाए वही पर है इसलिए चलो सखी चलो जाए वृंदावन जहां पर नंदलाला कृष्ण कितने मधुर नित्य विहार कीड़ा कौतुक देखो हरि सखी इस वृंदावन की कितनी सौभाग्यशीलता है देखो वृंदावन सखी को वितनोति कीर्ति जब देव की सुत पादाम पूजन लब्ध लक्ष्मी गोविंद पेणु मनुमत मयूर नृत्य पेक्षात्र शांत वरदान समस्त सत्तम बोले कि देखो अरे सखियो यह वृंदावन भी पृथ्वी पृथ्वी का सौभाग्य और कीर्ति को विस्तार करेगी वृंदावन। देखो वृंदावन के जितने भी पशु पक्षी सब निकल के आ जाते और कृष्ण की चारों ओर सभी नाचते हैं गाते हैं कितना आनंद करते हैं परंतु हम कहां स्त्री जाति संसार रूपी मूढ़ धर्म में हम फंसे हमसे तो
ये हिरणिया बन गए हैं, कितने सौभाग्य सभी होगा। धनास्म पूर्ण कर्तव्यपी हरि नीता, ये मूढ़गति संपन्न पशु जाति अवलाय हरिन्न गीता या नंद नंदन उपात विचित्र वनवासी वेशभूषा में कृष्ण के अद्भुत रूप सौंदर्य को देख कर वन के हिरण हिरणियों को हिरणिया वन के हिरणों को साथ में लेकर के कृष्ण के सामने आ जाती और कृष्ण को चारों से घेर करके एक प्रति लगा करके बड़े बड़े नेत्रों से कृष्ण को देखती रहती। पुयाम दर्द विरचिता प्रणया कलु में ये लोग कुछ कर नहीं पाती, परंतु एक नेत्रों से जो कृष्ण का दर्शन करती है तब उससे अपनी पूजा अर्चना समर्पण करती है। तो कितना इनका सौभाग्य ये अबला होकर के भी सौभाग्यशाली और हाँ नारी जाति मनुष्य जाति में आकर के भी हमारा दुर्भाग्य कि हमें ऐसा सौभाग्य। बोले देखो इस वृंदावन में कृष्ण वंशी को जाते और वंशी दल से सबके चित्त मन को चुराते हैं, जो अगर सुधा हमें पार करना था और वो वंशी हमारे सामने दिखा दिखा करके बड़ा जोरुष और पौरुष दिखा करके वो कृष्ण की अधर सुधा का पान करती है, कितना इनका सौभाग्य। और उसके साथ जितने भी ये वृंदावन के जो वन के जो वंशावली यानी वास के था ये सभी खुशहाली कि हमारे वंश में एक टुकड़ा मांस गोविंद की सेवा में पहुंच गया और उनकी सेवा करती है, इसलिए ये मांस वंशावली वृक्ष समुदाय सभी लोग खुशहाली मनाते हैं, कितना आनंद मनाते हैं। तो ये वंशी है जो इतना पौरुष जौलुष दिखाती है। बोले कि श्री कृष्ण संगीता में दिखा जाए एक समय लक्ष्मी जी जैसे बेलवन में बैठकर के तपस्या करती रहेगी, वैसे सरस्वती देवी कृष्ण को पाने के लिए तपस्या करती रहेगी। तब कृष्ण उनके पास गए, बोले कि लक्ष्मी देवी सरस्वती तुम तपस्या कर रही हो, बोलो क्या चाहते हो, मुंह खोल करके बोलो तुम्हारी क्या अभिलाषा। तब देवी सरस्वती कहती मैं आपको प्रियतम के रूप में पाना चाहती हूं। बोले अच्छा नहीं, मैं तो ऐसे चाहती हूं कि आपसे कभी मेरा बिछोड़ नहीं हो, कभी मैं अलग नहीं रहूं आपसे, सदैव आपके साथ में रहना चाहती। तो कृष्ण बोले अरे इतनी सारी गोपियां मेरे साथ में है, मेरी प्राण बल्लभ राधा जी है और तुम्हें मैं साथ में रखूं और हमेशा साथ में रहूं तो कैसे संभव हो, कैसे रखूं। देवी सरस्वती रोने लगे, मुझे नहीं रखते तो मैं मानूंगी नहीं, मुझे साथ में रखना पड़ेगा और मैं कभी भी आपको छोड़ करके नहीं रहूं। तब कृष्ण ने कहा कि देवी एक काम, तुम तो भारतीय हो सरस्वती भारती हो और समस्त पानी का विस्तार होता है, ये काम करो तो वंशी बन जाओ,
बंसी बनने पर कोई झगड़ा नहीं करेगा, किसी को पता नहीं लगेगा, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा, कभी हम अपने कमर में, कभी हम हाथ में, कभी मुंह पर, हमेशा मेरे साथ रहना, कभी बिछड़ना नहीं होगा। अब बोलो, देख तुम तो बाग देवी सब, और बाणे की देवी, बाणे कितनी है, बाणी का स्वर कितना है, सारे गामा पातानी सात स्वर होता है, सात स्वरों की वृत्तियां होती है, हजारों लाखों करोड़ों वृत्तियां स्वर दिया होती है। तो इसलिए तुम स्वर के रूप में और इस ध्वनि के रूप में वंशी में सदा सर्वदा अवस्थित रहोगे, और तुम्हारे से वो पानी सर लहरी संसार में प्रकाशित हो करके सारे संसार को मोहित करेगी। इसलिए तुम वंशी बन जाओ। कृष्ण ने उनको देवी सरस्वती को वंशी के रूप में ग्रहण कर लिया, तब से ये वंशी और जिस वंशी को कृष्ण ने इतना आदर दिया, सम्मान दिया, जिसे देख करके गोपियां चिढ़ती है कि मेरे सामने मेरे देखते देखते हमारा जो कृष्ण की आदर सुधा हम लोग पान करेंगे, तो उससे सामने वो पान कर लेंगे और उस दिखा दे कितना सौभाग्य। ऐसे वृंदावन के जितने भी पशु पंछी तृण और लता सबका कितना सौभाग्य। देखो एक जमुना, जमुना का भी कितना सौभाग्य। देखो कि जमुना जी ऊपर से प्रवाहित होकर के वैली कहां जा रही है, समुद्र के साथ मिलने के लिए, अपने पति समुद्र से मिलने के लिए जा रही है। वृंदावन में आकर के जब कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनती है तो जमुना की द्वारा धारा ज्यों के त्यों रुक जाती है, पानी खड़ा हो जाता है, तो उसमें भंवर पड़ने लगता है, और उस भंवर से जमुना में खिला हुआ जो कमल है उन कमलों को उखाड़ उखाड़ करके फेंकती है। आलिंगन स्थगित मुर में भुजैर मुरारे, गृह्णन्ति पाद जुगला कमलोपहारा। ये जमुना जी कृष्ण के चरण कमल को हृदय में लगाने के लिए उछलती है, भंवर के द्वारा कमल को उखाड़ उखाड़ करके किनारे फेंकती है, नहीं कृष्ण के चरणों में ये पुष्प समर्पित हो जाए। परंतु कृष्ण तो बहुत दूर, कहां सेवा करने के अंदर है कैसे मिले। इसलिए जमुना जी किनारे किनारे कमल को फेंकती हुई कृष्ण के चरण को छूना चाहती है। गायों की दशा देखो, जमुना की दशा तो गायों की दशा, कृष्ण की वंशिता भी सुन करके गाय भी घास खाना छोड़ देती है, कान उठा करके मुंह ऊपर उठाकर कान खड़ा करके कृष्ण की वंशी ध्वनि को सुनती, शुद्ध बुद्ध खो जाती है, खाना पीना सब भूल जाती है, बछड़े भी दूध पीते पीते उनके मुंह में दूध भरा हुआ, और न तो बाहर न भीतर जीव की त्यों मुंह में रख करके कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन रही है। जितने देवी देवताएं हैं देखो आकाश में विहार करते हुए कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन करके मूर्छित हो जाते हैं, देवियां देवताओं के सामने मूर्छित होकर के गिर पड़ती, और देवता भी कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन करके देवियों के सामने मूर्छित हो जाते हैं। तो कैसी अद्भुत दशा है, और एक दूसरों में लज्जित होते आ रहे कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन करके ये क्या दशा। इस प्रकार
पेड़ों के ऊपर जो बैठे हुए बियांग पंछी, ये पंछी कौन है? प्रायेण मुरयो बिरंगा बने, प्राय करके ये जितने भी पंछी है ये पंछी कोई पंछी नहीं है, ये बड़े बड़े ऋषि पंछी का रूप धारण करके पेड़ों में बैठे हुए हैं। जब तक वो पूजन करते रहते वंशित धनी जब कानों में सुनाए दे वे सब के सब मौन व्रत ले लेते और कुछ बोलना नहीं, चलना नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ये मौन व्रत हो करके कृष्ण के वंशित धनी का पान करते तो ये बड़े बड़े ऋषि हुए। तो सभी ऐसे कृष्ण के वंशित धनी सुन करके मोहित होते हैं। तो गोपियां कहती है तो सखी हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम कृष्ण जहां बंसी बजाते और नित्य विहार करते उस मनोरम दृश्य, उस मनोरम लीलाओं, उस ध्वनि को सुनने के लिए हमें सौभाग्य नहीं मिला। ये सौभाग्य कैसे होगा? हमें कोई उपाय करना। इसलिए ये गोपियों चलो सखी हम सभी लोग चले, कहाँ जाए? बोले गिरिराज जी में मानसी गंगा में स्नान करके हरिदेव जी का दर्शन करेंगे, उनका हम पूजन करेंगे और उनका सहारा लेंगे। गिरिराज जी का सहारा लिए बिना हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं दिखता है। अतः अत्रेनबला हरिदास पर्य जर राम कृष्ण चरण पर सप्रभो मानं तनोति सं गोगनयो पानीयर सुजवस कंदर कंद मूले हंताय अत्रि अवला हरिदास। अरे अवलाओं देखो बड़े आश्चर्य की बात, ये हरिदास वत्य कौन गिरिराज? हरिदासों में भक्तों में सर्वश्रेष्ठ तीन हरिदास माने जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज, उद्धव जी और गिरिराज। अतः तीन हरिदासों में ये जो है ये हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ। क्यों? देखो स्वयं बलवत सर्व होकर के भी कृष्ण की सेवा, राधा गोविंद की सेवा, जिनकी कंदरा कंदराओं में प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे थे रचयते नवजूनो दंत भस्मिन इति की नकलनाथ लग्न कास्त्र में पानी सुजवस अंदर कंद मूले। और गिरिराज जी कैसी सेवा कर रहे? बोले देखो जिनकी कंदरा कंदराओं में राधा गोविंद की अद्भुत लीलाएं प्रमद मदन लीला अंदरे मदन विजय लीला जहां पर और ऐसी लीला हम फिर पानीय जल दुर्वाघात फल फूल मधुर सब तरह से बोले पूजा के लिए क्या चाहिए?
पहले भगवान को आह्वान किया, फिर आसन में आसन देख करके आसन में बैठा। पूजा के लिए और क्या लगेगा, बोले आसन तो दिया भगवान को, उनको बुलाया आसन दिया बैठा, ये क्या करेंगे पुष्पांजलि। तो तीन बार पुष्पांजलि दे दी, फिर क्या करेंगे घर पर गुरु आ जाए तो क्या होता है, आसन में बैठा करके गले में माला पहनाया, पुष्प दिया, फिर पानी ला करके डालते हैं, बोले कहा चल, बोले क्यों, बोले इसको पात्र चाहे भगवान के चरण को धोए, रोज दिन पूजा अर्चना करें तो कैसे करें, तो पात्र दो भगवान के चरणों में जल दे, राधा जी के चरणों में जल दे, गुरु जी के चरणों में जल देते हैं, उनको चरण धोएगा ये पात्र। फिर अर्घ्य होता है, अर्घ्य में क्या होता है, अर्घ्य प्रदान किया जाता है। हम लोग बचपन में समुद्र में जाकर के अर्घ्य दिया करते थे माता जी के साथ, तो अर्घ्य में फूल होता है, यह होता है, तिल होता है, पुष्प, कूर्स, दुर्वा, ये सब मिला करके पानी के साथ अर्घ्य प्रदान किया जाता है। अर्घ्य का मतलब है कि मन प्राण हृदय हमने सब कुछ आपके चरणों में समर्पण, आपके चरणों में हम समर्पण कर रहे हैं, इसको कहा जाता है अर्घ्य। तो भगवान को अर्घ्य दिया जाता है और फिर आचमन देते। गुरु जी दूर से आए, काफी दूर से घर में पहुंचे, आपने तो पात्र अर्घ्य दे दिया, जल दे दिया, गुरु जी बोलते हैं थोड़ा पानी चाहिए, नहीं भी बोले तो क्या करना है, गला सूख रहा है तो क्या करेंगे, पानी देंगे ही हम, कोई शरबत ला करके देंगे तो उससे पहले एक गिलास पानी भी ला करके देते हैं, बोले आप मुंह धो लीजिए, मुंह धो करके फिर पीजिए, दिया जाता है, ये रीति रिवाज है सबके, विशेषकर बंगाल में जाएंगे तो पहले शरबत भी लाएगा और पानी ला करके पहले पहले बोले मुंह धो लीजिए, इसको धोने को कहते हैं आचमन। तो भगवान को आचमन दिया जाता है, फिर मधुपान कुछ तो पिलाए उनको, पीने के लिए दिया शरबत इत्यादि, जो कुछ भी हो जूस हो तो पीने को दिया तो पिलाया, इसको कहा जाता है मधुपान। फिर आचमन दे करके भगवान को स्नान कराया जाता है। तो गिरिराज जी क्या करते हैं कृष्ण के लिए कि पाद अर्घ आचमन मधुवर्ग सभी पीते हैं, सब प्रकार से उनकी सेवा करते, भगवान को स्नान कराए तो कैसे करेंगे, पहले घी लगाना पड़ेगा, घी से मालिश करें, घी लगाना, फिर हल्का गुनगुना गर्म पानी उससे स्नान कराए, सर्वौषधि स्नान, महौषधि स्नान, पंच द्रव्यो स्नान, फिर पंचामृत स्नान, दूध दही घी मधु तो इससे पंचामृत स्नान, पुष्प जल से स्नान, गंध जल से स्नान, चंदन जल अंग से, तो इस तरह से भगवान को स्नान कराया जाता है और धूप दीप नैवेद्य इत्यादि करके ये सर्वत्र प्रचार होता है। तो गिरिराजी क्या करते हैं, स्वरों उपचारों से गिरिराजी कृष्ण की सेवा हो जाती है, इसलिए गोपियां कहती हैं चलो हम चले उस गिरिराजी, उनका आश्रय है, बिना उनकी कृपा के, उनके अनुग्रह के बिना कृष्ण प्राप्ति संभव, अतए हम सभी चले। अब हम लोग चलेंगे तो गिरिराज की ओर, गिरिराज का कैसे अपने गुरु महामहोत्सव आदि होता है उस विषय में चित्र होगा ये कीर्तन।
siapa? Thank you.
जोड़ होए पूजा करे हे 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 गिरिराज है तू भेजाए जी को जो मारी मारी को आए गिरिराज है तू भेजाए जी को जो मारी मारी को आए गिरिराज है तू भेजाए जी को जो मारी मारी को आए गिरिराज है तू भेजाए जी को मारी मारी को Thank you.
आज दुनिया इतना सारा भोजन पानी बना रही है, पूरी भगवान इतना क्या क्या बनता है, बहुत सस्ती। तो आज क्या बात है, किस लिए बनाए जाते हैं, किसके लिए? कोई देवता की पूजा या क्या खास, आप मुझे बताइए। और किस देवता की पूजा की जाएगी और कहने से क्या होता है, हम लोगों को भी बताए तो हम आगे चल करके हम लोग भी तो करेंगे, सीखेंगे। तो उस समय नंद महाराज कहने लगे, हे कृष्ण, हे तारा, हे बलराम, देखो हम लोग मूर्खों से आज के दिन में देवराज इंद्र की पूजा करते आए। पहले हमारे सभी लोग करते रहे और आज के दिन में हम लोग भी करते हैं, तो इंद्र की पूजा की जाती, क्योंकि देवराज इंद्र प्रसन्न होकर पानी बरसाते हैं। बिना पानी के हम लोग जिएंगे कैसे, पिएंगे कैसे, और फसल भी नहीं होगा, खाएंगे पिएंगे कैसे रहेंगे? गायों के लिए, हम सब के लिए परम उपाधि है पानी, बिना पानी के कुछ नहीं होगा। तो इसलिए पानी के देवता जो देवराज इंद्र है, हम उनकी पूजा करते हैं कि हमारे पति प्रसन्न रहे। तो कृष्ण बोले, पिताजी, जिस देश में जहां इंद्र की पूजा नहीं होती, क्या वहां पानी नहीं बरसता है? वहां भी तो पानी बरसता है। फिर समुद्र में तीन भाग अधिक पानी बरसता है, एक भाग पानी धरती पर, तो समुद्र में तीन भाग पानी बरसता है, तो वहां पर कौन पूजा करते, कोई तो करता ही नहीं। फिर इस पंचजल में पार पर्वत में कौन इंद्र की पूजा करता है, कोई तो करता है, वहां भी पानी बरसता है। तो उनकी पूजा करने से पानी बरसाएंगे, यह तो कोई माने नहीं होता। और फिर उर्खों से जो पूजा चलती आई, आज तक देवराज इंद्र कभी प्रसन्न हुए, उन्होंने कोई वरदान दिया ऐसा भी नहीं, कभी दर्शन भी नहीं किया। और उनका कभी दर्शन मिलता नहीं, परंतु जो हमारे प्रत्यक्ष देवता, जो हमारे सामने, उनकी हम पूजा नहीं, किसकी पूजा करते हैं? उस देवता की जिसका दर्शन कभी नहीं हुआ। जो हमारे सामने प्रत्यक्ष देवता, उनका हम आदर करते हैं। हमारे प्रत्यक्ष देवता हमारे माता पिता, गुरुजन, ब्राह्मण, सज्जन, ये सब गो माता गाय और बड़े बड़े पेड़ जो है, जिनके कारण पानी बरसता है, क्योंकि हरे हरे पत्ते पेड़ पौधे जो है बादल को खींच लेते और उन्हीं कारण से पानी बरसता है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत ये बादल को रोक देते, तो उससे टकरा कर भारी हो जाता है, उसमें पानी बरसता है। मरुभूमि में पानी नहीं होता, वहां कुछ न पेड़ पौधे न पहाड़ पर्वत, किंतु जहां पेड़ होते हैं पहाड़ पर होते हैं उसी से पानी बरसता है। अतएव परोक्ष देवता और प्रत्यक्ष देवता, परोक्ष जिनको हम कभी देखे नहीं,
हम उनकी पूजा करते हैं, हम बड़े धार्मिक बनते हैं कि हम इतना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। परंतु प्रत्यक्ष जो है हमारे सामने, उनकी हम कुछ नहीं, कुछ नहीं करते। ये हमारी विडंबना है कि उनका तो अनादर कर रहे हैं और हम बड़े धार्मिक बने, क्या हम दस बार नमाज पढ़ते हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये देवता की पूजा कर रहे हैं, वो देवता की पूजा कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं। तो समाज में रहते हुए समाज के बड़ों का आदर नहीं करते, अनादर करते। पिताजी मेरी राय कि आज जितने पूजा की सामग्री है, इन सब के द्वारा हम बड़ों की पूजा करें, गुरुजनों के, पिता माता की और साधु सज्जनों के, ब्राह्मणों की, बड़ों की हम पूजा करें। गौ माता जो है, जो माँ हमें 5 बरस दूध पिलाती है, जन्म देने वाली, उनके लिए, और जीवन भर जो माता दूध पिलाती है, जो गौ माता, उनका हम अनादर करते हैं और बड़े बड़े धर्मों की बात करते हैं, तो हमारे समाज में कितनी कमजोरी है, विचारों का आदान प्रदान नहीं। तो कृष्ण पिताजी से बोले कि पिताजी मेरी राय आज बड़ों को दिया था, सबका आदर, इन्हीं सामग्रियों से गौओं की पूजा हो, ब्राह्मण से और गिरिराज पर्वत की पूजा कर गया। तो वे प्रसन्न होंगे, हमें और पानी बरसाएंगे, पानी देंगे, और क्या होगा। जब कृष्ण ने ये बात की तो नंद महाराज ने मान लिया, बोले कि ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा है, तुम जो कहोगे वही होगा। उन्होंने आदेश पालन कर दिया, बोले आज सभी ब्रजवासी लोग यहाँ पर, हम सभी बड़ों की पूजा करें, गौ माता की पूजा करें, गायों की, बैलों की पूजा करें, और ब्राह्मण लोग यहाँ पर यज्ञ करें और गिरिराज जी का पूजा। तो यही सब अब शुरू हो गया, बड़ों की पूजा होने लगी, सबका आदर सम्मान किया गया, गौ माता के बैलों की पूजा हुई। इस प्रकार ये सभी पूजन के साथ एक गिरिराज जी का पूजन हुआ विशेष, और पुरुषोक्त मंत्र के द्वारा यज्ञ भी हुआ, उसमें स्वयं शिव जी भी आ गए देखने के। तो इस प्रकार यज्ञ महोत्सव, पूजा उत्सव हुआ, उसके पश्चात जितना जो कुछ बनाए सबके सब ला करके गिरिराज जी के सामने रख दिया गया, भोग लगाया गया। बोले गिरिराज महाराज की जय। जबकि भोग निवेदन किया, देखते ही देखते वहां पर कृष्ण स्वयं चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, गिरिराज जी के ऊपर बैठ करके, अब हाथ बढ़ा करके जितना जो कुछ है सभी खाने पीने लगे, खाते हुए बोले कि आड़ो रे हल्ला हल्ला भर जाएगा। कृष्ण ने हाथ जोड़ दिया, प्रभु आज जो कुछ खाया उसी से आप तृप्त हो जाए, फिर से लाएंगे, फिर खिलाए। तो ऐसे गिरिराज जी के स्वरूप में उन्होंने भोजन किया, प्रकट हो। तो इसलिए गिरिराज जी का द्वितीय स्वरूप बनो। इस प्रकार भोग तो ग्रहण किया और देखते ही देखते पूरा प्रसाद फिर से भर गया, हाथ को धो करके बैठ गए, बोले कि
सब जने आ जाओ, किसको क्या चाहिए बोलो, सबको हम भर देते हैं। कृष्ण ने पिता जी जाते देखी, पिता जी प्रकट होकर के हमारे सामने देखते देखते भोजन भी किया और प्रसाद भी परित्रित परिपूर्ण हो गया। और बोले कि बुला रहे हैं, बोले आ जाओ सामने, सबको बर दिया जाए। तो आप सभी लोग इसकी जो इच्छा वर्णन, सभी समस्त ब्रजवास जन हाथ जोड़ करके प्रणाम किए और वर मांगने लगे। इस प्रकार जब सबको वर देते रहे तो गिरिराज जी तथा कह करके सबके मनोरथ को पूर्ण किया कर दिया। तब सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके अब परिक्रमा में निकले, जो जैसे जाए गिरिराज जी की परिक्रमा। परिक्रमा करते हुए जैसे लौट रहे आ रहे हैं, इतने में देवराज इंद्र बिगड़ गए, बोले अरे देवताओं की पूजा बंद कर दी, इस दुष्ट बालक के कहने से ये वाले सब हम लोगों की पूजा बंद करवा दिया, तो ऐसे ही चलेगा तो आगे चलकर के कोई देवी देवता को मानेगा नहीं, कभी पूजा भी नहीं हो पाएगी। इसलिए अब इसका उचित दंड भी दिया जाना चाहिए, ऐसे ये मानेंगे नहीं। तब संपन्न राजी बादलों को बुलाया, जो प्रलय कालीन बादल होता है, तो बोले कि देखो तुम लोग चलो ब्रजभूमि में, ऐसे पानी बरसाओ, आधे तूफान मचा जो कि ब्रजभूमि निश्चिन्न हो जाए, मिट जाए, कोई नाम निशान नहीं। तो बोले मैं भी चल रहा हूं तुम्हारे पीछे पीछे, तुम लोग चलो आगे। बाजारम बालिसम सत्या बड़े ही बाजार है, इसको दंड देना होगा। बादल समाये चार और घना घोर बादल छाए, अंधेरा फैल गया और कड़कड़ाहट की ठंडक, उसके साथ भारी वर्षा होने लगा। अब तो ब्रजवासी लोग घबरा गए, अरे भाई इंद्र तो बिगड़ गए और भारी वर्षा हो रही है, अब क्या होगा, कभी जगह तबाही हो जाएगी। ब्रजवासियों ने कृष्ण से कहा, ये कृष्ण अब हमारा क्या होगा, कैसे सुगत क्या होगी, क्या करें। कृष्ण बोले हम लोगों ने गिरिराज जी की पूजा की है, अतः गिरिराज जी हम सबकी रक्षा करेंगे, आप चिंता नहीं करें, आइए आप सभी लोग आइए। देखते ही देखते कृष्ण ने गिरिराज जी को छठी की वाटिया से उठा लिया, उठा करके बाएं हाथ की कनिष्ठ अंगुली में ऊपर उठाया और सभी को बुलाया, बोले आइए आप सभी लोग आ जाए अंदर, जितने भी ब्रजवासी हैं और जितने गौए हैं बछड़े सभी को बुला लिया, सब आ गए अंदर। और गिरिराज जी के पीछे सब लोग आ करके सभी ने अपना अपना लकीर लठिया लगा दी, उधर में राधा जी ने इशारा किया, गिरिराज ऊपर उठ करके रहो, नीचे नहीं आना चाहिए, कृष्ण के ऊपर भजन नहीं आना चाहिए। गिरिराज जी कृष्ण के कनिष्ठ अंगुली पर विराजमान, इस प्रकार बड़े आनंद में बड़ी खुशहाली में, और उधर देवराज इंद्र आकर के वज्र बरसाने, पानी की वर्षा और वज्र वर्षण होने लगा, बड़े तूर वज्र वर्षण। उससे सोचे सोचा कि ये वाले सब मूर्ख हैं, इस अंडरग्राउंड में चले गए पहाड़ के नीचे, और तब
वज्र के द्वारा टुकड़े टुकड़े बना करके चारा गिरा दूंगा और दबके सब लोग उसमें खत्म हो जाए। वही सोच विचार के साथ वज्र प्रहार करने लगे। गिरिराज जी उसको सहन करते हुए आनंद में भरपूर इसलिए उस समय जैसे कृष्ण के हाथों में इतने में कृष्ण ने चक्र सुदर्शन को इशारा किया, चक्र आ जा। सुदर्शन चक्र आ गया, आते ही इतना प्रकाश फैला दी जिससे सारे पानी को सोख लिया। बारिश हो रही है और पानी सूखता जा रहा है। फिर जैसे ही कृष्ण ने इच्छा की, इंद्र बड़ा घमंडी बन गया, घमंड दिखा रहे। कृष्ण की इच्छा से इंद्र का हाथ अब उठाई नहीं, चलाई नहीं, वज्र भी नहीं चला। डर के मारे भागे, देवलोक में बैठे सोचने लगे और क्या होगा, मेरा हाथ भी तो बंद हो गया, चलना बंद हो गया, क्या करूं। उस समय देवराज इंद्र गए सुरभि गौ माता के पास, पहले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा सभी देवता लोग यही करते हो, सब गड़बड़ी मचाते, मैंने भी वही गड़बड़ी मचा कर गया, अब तुम भी जा कर अब क्या होगा। बड़े मुश्किल से मैं क्षमा मांग गया, अब तुम कैसे क्षमा मांग। देखो कृष्ण जो है गवेंद्र है, गायों के राजा वो गवेंद्र, और तुम जैसे देवताओं के राजा महेंद्र का गर्व खर्व भी, जो कि महेंद्र देवराज इंद्र के गर्व को चूर्ण करने के लिए उन्होंने गिरिराज को उठा लिया, सबकी रक्षा की, तुम्हारे हाथों को गिरा दिया, हाथ उठ नहीं रहा, वज्र चला भी नहीं रहा, कुछ नहीं हुआ, आगे क्या होगा। जा गांव में पहुंच जा, सुरभि गाय के बाद उनसे प्रार्थना करो, वे तुम्हारी बात मान ले और क्षमा मांगे, जबकि उनको आगे ले जाकर भी प्रार्थना। तो ये देवता इंद्र को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, ये कीर्तन गिरा दिया। Thank you.
I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.
करके भोग लगाएंगे और गौरिया मत जाएंगे कहीं आ जाऊंगी माना भी नहीं भक्तों में Thank you.
देखो भैया ये गिरजा जी के छप्पन भोग
आठ लाइन पढ़ लो, समय संक्षेप है, फिर एक कृपया जी को और बोल दो जय जय गुरजन है खीर मोहन खीर चा खुरमी खीर हजदा चले कला कंद पानी शाही है मौत थार देवा वाटी मठरी महसूर मान तुआ रखुला संत रबड़ी सुहाई है बेहद रबड़ी है बहुत ही अद्भुत रबड़ी है बताई बेहतरी रबड़ी भुजिया नमकीन पे गांठिया सकल पारे गुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है मधुर श्याम नंद बाबा जसुदा सब सामग्री ले गए गिरिराज आज Yeah.
Thank you.
I'm gonna make you mine.
Hello.